आज हम संधारित्र एवं पारगमित्र चैप्टर का अध्ययन करेंगे। संधारित्र को समझने के लिए पहले हम धारिता की बात करते हैं, कैपेसिटी यानी धारिता। यदि हम एक खाली बाल्टी लें और नल के नीचे लगा दें तथा नल को खोल दें तो धीरे धीरे बाल्टी में जल का स्तर बढ़ने लगता है, और इस प्रकार से अगर नल को खुला रहने दें तो धीरे धीरे करके बाल्टी पूरी भर जाती है और उसके जल के स्तर में वृद्धि होती है और बाल्टी का जल स्तर ऊपर के लेवल तक आ जाता है। अब अगर हम फिर भी नल को खुला रहने दें तो जल बाहर वातावरण में कैसे अधिक होने लगता है और बर्बाद होने लगता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बाल्टी में हमें जल भरना है तो उसकी एक निश्चित क्षमता है, यानी उस क्षमता के बाद जो जल का स्तर है वो बढ़ेगा नहीं और चारों तरफ विसर्जित होने लगेगा, यानी चारों तरफ बर्बाद होगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी चालक को आदेश देते हैं तो चालक की विभव में वृद्धि होती है, यानी उसके विभव का स्तर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम चालक को आदेश देते हैं चालक का विभव बढ़ता जाता है। चालक के विभव की भी एक क्षमता होती है, अगर हम एक निश्चित सीमा तक आवेश देने पर चालक का विभव बढ़ता जाता है। मान लेते हैं कि हम किसी चालक को क्यू आवेश देते हैं और चालक को क्यू आवेश देने पर उसकी विभव में वृद्धि भी होती है। तो यह वृद्धि जैसे जैसे विभव हम आवेश देते हैं वैसे वैसे ही विभव वृद्धि होती है, उसी समानुपात में होती है, उसी अनुपात में होती है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्यू समानुपाती। अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्यू बराबर आता है सी इंटू वी, या सी जो है एक नियतांक है और इसका मान चालक के आकार, चालक के पास रखे हुए अन्य पदार्थों की उपस्थिति और चालक के पास किसी दूसरे चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। इस सूत्र से अगर हम देखें तो सी इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन वी। इससे हम धारिता को परिभाषित कर सकते हैं कि क्यू चालक का आदेश है और वी विभव है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चालक को दिए गए आदेश एवं उसके विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता कहलाता है। इस प्रकार से चालक के आवेश और उसकी विभव वृद्धि के रूप में हम चालक की धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। अब अगर हम इससे देखें तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसलिए धारिता का मात्रक हुआ कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट को हम फैराड भी कहते हैं। एक फैराड इक्वल टू होता है एक कूलम बटे एक वोल्ट। इस प्रकार से हम फैराड के रूप में भी अगर धारिता को परिभाषित करें तो चालक को दिए गए एक कूलम आवेश से उसके विभव में जो वृद्धि होती है, अगर हम चालक को एक कूलम आवेश दें तो उसके विभव में जो वृद्धि होती है वो एक फैराड के बराबर होती है। फैराड धारिता का एक बड़ा मात्रक होता है, इसके स्थान पर माइक्रो फैराड और पिको फैराड यूज किया जाता है। एक माइक्रो फैराड होता है
10 टू दी पावर माइनस 6 फैरड के बराबर, और एक पिको फैरड वन पी एफ इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 12 फैरड। इसको हम 1 पिको फैरड को 1 पी एफ इक्वल टू ये भी ले सकते हैं 1 माइक्रो माइक्रो फैरड, और ये भी 10 टू पावर माइनस 12 फैरड के बराबर होगा। इस प्रकार से धारिता की एक छोटी मात्रा थी और धारिता की डिमांड। C इक्वल टू सूत्र में होता है क्यू अपॉन वी, क्यू का मात्रा का कूलाम, और वोल्ट का मात्रक है जूल प्रति कूलाम। इसका मतलब है ऊपर कूलाम स्क्वायर और नीचे जूल, यानी न्यूटन इंटू मीटर, सी स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन, यानी बल्कि एम एल टी माइनस टू एम मीटर एल, तो मिला के आएगा एम माइनस वन, एल टू हो जाएगा ऊपर जाके एल माइनस टू, टी माइनस टू और प्लस टू फोर एंड ए टू, यानी धारिता की विमाएँ ये मिल गई। एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, इस प्रकार से प्रति धारिता की मान ये प्राप्त हो गई। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी विद्युत गोलीय चालक की धारिता। विद्युत गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए हम ये ए त्रिज्या का एक गोलीय चालक मान लेते हैं, इसका केंद्र ओ है, और चूँकि इसको दिया गया आवेश प्लस क्यू इसके पृष्ठ पर चारों ओर समान रूप से फैल जाता है, इसलिए इस पृष्ठ के गोलीय चालक के इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव सभी सभी बिंदुओं पर समान हुआ। ऐसी स्थिति में इस चालक के पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं खींची जाएंगी, ये बल रेखाएं बना दी गई, और ये आगे जो है सभी दिशाओं में समान होगी।